फुटबॉल ना तो जोश में ना होश में खेला जाता है। लीजिए कबला अहम किरदार रहेगा दोनों टीमों के लिए। में कामयाब थी सुंदर ने ठीक करी गई थी और हमारी मंत्र है दो गज की दूरी आपके सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी। दो गज का दूरी लेंगे क्योंकि ये ड्रामा हाई वोल्टेज हो। और लीजिए आखिरकार सीटी आ गई है और मैच आरंभ हो चुकी है। मैं माइक्रोफोन पर कुछ क्षणों के लिए जोड़ना चाहूंगा सुजीत नायक जी को और कुछ क्षणों के लिए अपनी कमेंट्री को थोड़ा समय विराम देना चाहूंगा। जस्ट हाफ मिनट। बिल्कुल अपने बाद राजीव जी बताऊंगा। सिर्फ ज्ञात करता हूँ कि ग्रुप सी का सेकंड का पहला मैच रंगा स्पोर्टिंग नाव अंजनाब सी और नीचे से बात है तमाम साथी गत वर्ष नहीं आए तो बता दूँ रंगा स्पोर्टिंग करीब गत वर्ष का चैंपियन टीम रही थी और एक अक्सर कहा भी जाता है प्रत्येक मैच एक नया मैच एक मौका होता हुआ राकेश ग्रुप के लिए। और मैं प्रत्येक मैच के दरमियान साथ साथ कॉम्बॉक्स में नहीं जुगलबंदी बनाना चाहूंगा अजय जी क्योंकि ये मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला हो और कहीं ना कहीं मेरे खास लगता है जब तक मैच के अंतिम मंगा तब तक कपाना मुश्किल होगा। इस टीम में राहुल जैसे खिलाड़ी को मौजूद किया गया है चाहे नेमार मादी जैसे खिलाड़ी को मौजूद किया गया है तो ये कहीं ना कहीं अजय कसम कसम मुकाबला कहें या तमाम साथी को मैं याद भी करा दूँ अगर यहाँ से अगर इस मैच को लाइव देख रहे हैं तो इस मैच को देखा ना भूले। अपना लक्ष्य गेम अपील की गुंजाइश अपील को स्वीकारा गया है। चलिए होता है राकेश हृदय दोनों एक काफी जुगलबंदी होती है कभी कभी तो फिलहाल इस बात को विराम देके चलते हैं। तो राजीव सॉरी अजित क्योंकि दोनों टीम ने एक अच्छे मुकाम को यहाँ तक सफर की है और यहाँ से अगर दो भी टीम जीतते हैं और एक मौका दी जाएगी और यहाँ से कोई भी टीमें पीछे मुड़ना इस वक्त पसंद नहीं करेगी और इसके बाद में उस टीमों को आगे चाहेंगे ताकि जिंदा है बना स्कॉट इंपोर्ट का क्योंकि इस मैच के बाद वो खेलना है। राकेश किरण आएंगे फिलहाल गेंद को रोका गया है कोई मौका नहीं जैसा पंद्रह शादी को बने सफल तमाम प्लेयर्स को मैं बताऊँ ना है अजित कुछ ऐसे सीजन भी रहा है। इस सीजन की बात करें ये टीमें अक्सर रघुराज एफसी से काफी चर्चित हुई थी टीम और कहने का मेरे ख्याल से लगता है कि आज जो भी मौके मिले हैं इस मौके को इनके मेरे ख्याल से रंगा स्पोर्टिंग की बात कर चाहे अंजना से इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। इस मैच के अगर निर्णय की चर्चा करने की शुरुआत विक्रम भास्कर जी अमृत नाम जी जुगलबंदी हुआ है अहम किरदार रहेगी दोनों टीमों के लिए। गेंद छीने में ना काम फिलहाल संदीप को आगे बढ़कर इस बार समय लिया जरूर बढ़ते कई बार शांति का समय इस बार चतुर के लिए हालांकि समय लिया जरूर एक रुपया कट करके वहां तक क्या क्यों तक पहुंच पाएंगे जी नहीं रन आई यशवंत पत्र की और गेंद को अच्छी किलन और गेंद को रोका गया है प्रशंसा करने वाले दोनों टीमों को बचाओ जश्न मनाए चतुर जश्न पंद्रह बहुत ही सुंदर यहां से थोड़ा सा और मेरे ख्याल लगता है जो कुछ आवाजें हैं आ रही है तमाम दर्शकों की तो मेरे ख्याल लगता है कहने के दोनों ही खिलाड़ियों के प्रति काफी प्रभावित है तमाम दर्शक बिक्की साथी को बने में सफल इस बार जयराम हस्ता बिके आज गेंद कोई मौका नहीं गेंद तक पहुंचने में नाकाम नहीं बल्कि सफलता हासिल की है टीम के बाद कराकर स्कोरिंग खिलाड़ी धीरे बहुत खेले हैं तो मैं खास लगता है अजय जिससे जो भी मौके मिले टीम के प्रति उस टीम को कहीं आपको सफलता पर पहुंचानी है तो आपको बेहतरीन कॉम्बिनेशन रहा होगा तालमेल बनानी होगी। स्वाति क्षण में देखा फिलहाल संदीप किरण आएगी अच्छी गेंद भी आई शनि पूर्ति के लिए बाहुद क्रॉस
पता नहीं, नहीं। और एक बार ऐसा लगा कि गेंद शायद गेंद लीड कर गई, यहाँ गजब का फुटबॉल खेला रहा है। तरीके से बातें कहने की बॉक्स में जुगल बत्ती होता है, होना चाहिए। और एक पर का सांस रुक रुक गेंद की तमाम दर्शकों रुक सी गई थी, क्या यहाँ से मैच में स्कोर आई। इस मैच को दर्शक साथी अगर मिस कर रहे हैं तो बता दो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से चाहे गोल्डन क्लब की बात करें, चाहे दर्शक साथी भाई मंच के देखिए लेफ्ट साइड पर बैठ जाएंगे अपने प्लीज, दर्शक भी मंच के लेफ्ट साइड में बैठ जाएंगे प्लीज। कमेटी मंच से कुछ बहुत सारे अच्छा आगमन हुआ है, मैं ऐसा करना चाहेंगे आप थोड़ा से बैठ जाएंगे। और एक और भाई के साथ चर्चा करें जिस सलाह पे पिंटू गोत्रा जी गोल्डन क्लब लिथराडी कि बहुत सारे स्पोर्ट से जुड़े हुए तमाम खबरें चाहे तमाम बातचीत को सदा करते हैं तमाम फुटबॉल के प्रति। और मैं ऑडिटोरियम को मैं जोड़ना चाहूंगा पुनः एक बार, ये फर्स्ट राउंड का नहीं बल्कि सेकेंड राउंड का पहला मैच ग्रुप सी में से। और सी की बात करें तो कहीं ना कहीं दादू प्लीज बैठ जाएंगे मंच के लेफ्ट साइड, कॉमेडी के वॉलंटियर भाई मंच के लेफ्ट साइड बहुत सारे दर्शक साथी खड़े हैं, उन सबको कहीं ना कहीं शांत हो बैठने का अनुशासन दें। चलिए अगले जो मैच खेला गया था डीएमसी और पांडी बनाम ग्राहकों डीएमसी, और जिन्होंने से जीत दर्ज की है ग्राहकों डीएमसी की टीम प्राइवेट माध्यम से, तो हार का सामना करना डीएमसी पांडी। चलिए आपको धन्यवाद के पात्र हैं। फिलहाल अर्जुन आप से आगम नगर में इस बार राकेश शापिक मोहन सर जसो सत्र के लिए, लेकिन समय जरूर ले गया है कि जसो बेल बेल रन आएगी जरूर। अर्जुन आप से भाई चोर से इस बार समय लिया है जरूर, तो भाई टीमों के पास मौका बनता हुआ इस मौके पर नहीं गेटर नहीं पहुंच पाए राहुल पुत्री गेट तक पहुंचने सफल। और कहने की बात करता हम लोग साथ साथ में बता दो और कभी कभी राणा स्पोर्ट इंडो बेहतरीन खेलते हैं राहुल, आज अलग टीमों से पार्टिसिपेट किए हैं, फाइनिश का दौर है, अलग अलग टीमों से खेलना पड़ता है टीमों को। गेंद चले बेटा में फिलहाल कोई बंगा नहीं चतुर अपना चतुर आई अंदाज से बजाओ, और काफी ये हाई वोल्टेज मुकाबला ही कहे मुकाबला अहम किरदार रहेगा दोनों टीमों के लिए। और गेंद छीनने में कामयाब, मौका बनता जा रहा है, एक अच्छे प्रयास के साथ मोहित मन अभी बनी है, कोई मौका नहीं और गेंद को छीनने में नाकाम चतुर। और जिस तरह गेंद को रोकने में चल रहे हैं टीमों के बात करें अर्जुन आप सिंह बेहतर फूल खेले हैं अपने टीमों को, अभी तक एक टीम को बांध के रखे हैं, बोले ही दोनों टीमों के पास अभी तक कोई स्कोर नहीं टीमों को बढ़त मिल पाई है। इसी के अलावा पहला मैच फर्स्ट का मैच कहा कहें आगे बढ़कर इस बार राहुल साथी के मनेश सबजवार जयराम मापा राकेश गेंद छेड़े में कामयाब आगे बढ़कर इस बार बाई चोर से और अच्छी प्रयास रहा है। मैं ट्राइंगल बॉक्स में जोड़ना चाहूंगा अजय जी, और क्या लगता है इस मैच के तहत रोहित की मैंने अभी तक जो भी मौके मिले इस मौके कहीं ना कहीं अभी तक स्कोर में तब्दील नहीं कर पाई है टीम, उम्मीद करते हैं जो भी मौके मिले इस मौके पर मेरे ख्याल रखा है मौके को नहीं गंवाना चाहिए।
मुझे अंततः फिर से एक बार जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ मुकाबला इतनी सुंदर हो रही है सुजीत कि मैं क्या अल्फाज यहाँ पर व्यक्त करूं। और लीजिए देश की पहली सिटी घोषणी हुई मैच हाफ की राणा स्पोर्टिंग बोलाडी ने क्या बेहतरीन और गजब का फुटबॉल खेला और कम से कम दो तीन चार मौकाएं भी बनाई अपने टीम के लिए लेकिन उस मौके को उन्होंने चौके में कन्वर्ट नहीं कर पाई ये उनकी कमियां है। वहीं थोड़ी सी बात करें और चर्चा करें मैं लेके चलता हूं अंजना आरसी की। तो अंजना आरसी की टीम की ओर से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला वो भी क्या शानदार फुटबॉल खेला राकेश जैसा बड़े स्टार प्लेयर और दोनों ही बीच जो ये मुकाबला हो रहा है बिल्कुल हाई वोल्टेज ड्रामा यानी 440 की वोल्टेज से ये मैच हो रही है किसी को भी जोरदार झटका या करंट यहाँ से लग सकती है। तो आइए फिर से एक बार हम लोग फुटबॉल के मस्ती में धूम हो जाते हैं क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि सागर के किनारे पर कोई खजाना नहीं आता सागर के किनारे पर कोई खजाना नहीं आता जो लम्हा हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आता जो लम्हा हाथ से फिसल जाए वो दोबारा नहीं आता। और ये जो मुकाबला है और ऐसा दिन और ऐसा फुटबॉल रोज रोज नहीं आता इसलिए आज आइए डूबते हैं फुटबॉल के मस्ती में झूमते हैं फुटबॉल के मस्ती में और फुटबॉल को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। एक बार फिर गेंद के साथ आगे बढ़े हैं वहां अंजना एफसी रोकने का प्रयास डिफेंसिव लाइन के भोलाडी फिलहाल एक बार फिर गेंद आई है भोलाडी के पैरों पर अच्छी पासिस निकालने की कोशिश लेकिन हल्की भुड़ो का ही जयराम मौजूद था वहां। और सेकंड हाफ की मैच यहां पर पूरी तरह से पूरे तन मन और धन पूरी तरह से न्योछावर करके दोनों ही टीमें खेल रहे हैं संपूर्ण कंट्रीब्यूशन पूरी योगदान जी जान लगाई हुई है। एक स्कोर अगर यहां आ जाती है दोनों ही टीमों के बीच तो फिर कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा मैदान के बीचों बीच। मैच का रुख चेंज करने का एक ही है अगर यहां से किसी भी टीम द्वारा अगर पहला स्कोर आ जाती है तो फिर मैच में एक अलग ट्विस्ट आ जाएगी। अच्छी पास जयराम ने निकाला है दस नंबर 11 के लिए सुजीत और आप सभी दर्शक प्रेमी बड़े भाई जो मेरे आगे में है हमारे फ्रंट में ठीक अनाउंसिंग बूथ के आगे भाई हमारी निगाह वहां तक नहीं जा पा रही है कृपया थोड़ी सी थोड़ा सा जगह देंगे ओ। और यहाँ तो ड्रामा कुछ अलग ही होने लगा है मैच में तोतू और मैदान भी होने लगी है यानी ये ड्रामा अभी तो ये टेलर चल रही है पिक्चर ना जाने कैसे होगी। आगे आगे दादा आप लोग सर प्लीज थोड़ा सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ी सी दूरियां बना लेंगे सर कृपया करके थोड़ी सी दूरियां बना लेंगे थोड़ा सा दूरियां सर रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट है थोड़ी सी दूरियां बना लेंगे। मैं जानता हूं सर ये फुटबॉल के जो हम भक्त है ना जो हम भक्त साधक है हमारी थोड़ी भी निगाह अगर राय वाय होती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे ज्ञात हो मैं चाहूंगा थोड़ी सी दूरिया वहां से बना लेंगे तो सबसे बेहतर। लेकिन एक बात है राजा सुनिए जब कोरोना काल की प्रोटोकॉल आई थी ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहे थे 2 गज की दूरी और मास्क लगाना बेहद जरूरी लेकिन हमारी मंत्र को फॉलो कीजिए। और यहाँ पर काफी सुंदर ठीक करी गई थी और हमारी मंत्र है 2 गज की दूरी आपके सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी 2 गज का दूरी लेंगे क्योंकि ये ड्रामा हाई वोल्टेज हो चुका है और काफी नजदीक से गेंद आ सकती है आप चोटिल हो सकते हैं अपने आप को बचें और 2 गज की दूरी को इस्तेमाल करें। धन्यवाद। तो ड्राइवर चलते हैं हाई वोल्टेज मैच की और जहां तमाशा बिल्कुल होने लगा दोनों टीमों की ओर से और एक हिदायत है मैं खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा आपको पानी में रहना है ना दादा तो फिर मगरमच्छ से बाहर मत करना। कहने का तात्पर्य यह है
कि उस इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं जिसके पास हथियार ही हथियार भरा हुआ आपको कभी भी टिकट दिखा सकता है। इसीलिए रेफरी से बहस करने का कोशिश ना करें। आपको पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बहस क्यों। आइए फिर एक बार चलते हैं। बिल्कुल मैच इतनी रोमांच आ चुकी है और लीजिए इन्होंने तो वही किक किया जो अक्सर क्रिकेट में देखा जाता है। अगर ऐसा किक फुटबॉल सॉरी क्रिकेट में करेंगे तो आपको मिलेगी तालियां और फुटबॉल में करेंगे तो तालियां ना मिलकर आपको मिलेगी स्टेडियम में आए हुए कि हमें आज अच्छा फुटबॉल देखने को मिले। और मुझे लगता है बिल्कुल अनुकूल परिस्थिति और क्या मैच हो रहा है यहाँ पर, इसे ही कहते हैं फुटबॉल। और लीजिए आप देख सकते हो मैच में कितनी रोमांच पैदा हो गई है। प्लीज प्लीज जोरदार मैंने पहले भी कहा है दादा पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत कीजिए तभी भी निकल सकता है आपको। और उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं जिसके पास सिर्फ हथियार ही हथियार भरा हुआ हो। और विक्रम हसदा जी काफी करीब से इस मैच को देख रहे हैं और संचालन भी कर रहे हैं। एक अनुभव रेफरी की गुण उनमें विद्यमान है। लंबा धुला दी मौका बनेगी लेकिन जब तक कि मौका आती तब तक डिफेंसिव हाफ के खिलाड़ी आगे आए और अच्छा क्लियर किए। फिर से एक बार मौका फिर से एक बार अच्छी डिफेंडिंग गेंद फिलहाल काउंटर के लिए आगे बढ़ी है। राकेश अकेले से लेकर आगे बढ़ रहे हैं गेंद के साथ। और लीजिए मैंने पहले भी कहा था दादा फुटबॉल ना तो जोश में ना होश में खेला जाता है। लीजिए व्हाट ए स्टाइल ओ रियली रियली अमेजिंग ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टाइलिंग देयर दैट्स लाइक ए नाइजीरियन हलीम हलीम सरदार व्हाट इज योर एटीट्यूड यार। आपने तो लोगों को हंसाने में मजबूर कर दिए और होगी तो क्यों ना क्योंकि एक राइटमेड कोर्नर के जो डिफेंसिव आपके किरदार जो हलीम निभाते हैं खास करके रंगापति भोला जी के लिए तो ये तो बनता है दादा। मैच इतना मैच में कुछ रोमांच जो है कुछ अलग देखा जा रहा है और कुछ मैच का जो पहनापन है सुजीत ये कुछ अलग लग रहा है। बिल्कुल आज तक सुजीत ये रिजल्ट क्या होगा और मैं तो यही कहूंगा भाई कमजोर दिल वाला इस मैच को ना देखे कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। बिल्कुल और कहीं ना कहीं इसके बाद होती भी मत के सिपा पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं तब तक जो भी समय शेष है समय के उपरांत आपको इसको लाना होगा और कहने के देखने में बात होगी। और लीजिए बोल भी मुझे लगता है बोल को भी थोड़ा सा नेक्स्ट थ्रो प्रभात क्या है फुटबॉल बोल बोल अब बोल फुटबॉल गेम में फंस रही है और कहने के लिए अजित इसके बाद ग्रुप सी का अंतिम मुकाबला कहेंगे से ग्राउंड का। अच्छी गेम जयराम का संदीप पुनर पास कहा जाएगा मौका बनता हुआ इस बार जिसो भाई गेम छीने में कामयाब और अजी जैसे चर्चा करना चाहेंगे जैसे समय बीतता चला रहा है समय की चर्चा करने की शुरुआत 3:20 हो चुके हैं और साथ ही कहने के लिए फर्स्ट की बात करें यानी कि सुबह 5 बजे से चाहे 12 बजे तक दर्शकों के नाफिक कराओं में थोड़ा सा कमी झल रही थी और तमाम दर्शकों ने कहीं ना कहीं इस काम को पूरा किया इस कार्य को पूरा किए हैं तो तमाम जानते हैं तमाम दर्शकार्थी कि आज अहम मुकाबला होने वाला है कहीं ना हम लोग इस मैच को ना मिस करें और इसी का आज थोड़ा सा देखिए तो बहुत सारे दर्शकों की काम हो चुके हैं पड़ चुकी है। फिलहाल चतुर मुर्मू अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का इस्तेमाल कर गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश और डिफेंसिव लाइन के प्लेयरों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश और लीजिए आखिरकार